देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज हरिद्वार में SSP कृष्ण कुमार वीके द्वारा कल आयोजित होने वाले बैसाखी मेले के स्नान, अंबेडकर जयंती और सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर अपने अधीनस्थकों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए हरिद्वार स्थित कमलदास कुटिया में ब्रीफिंग की। SSP हरिद्वार ने बताया कि ड्यूटी में आए हुए सभी अधिकारी, पुलिस बल, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। 14 तारीख से होने वाले अंबेडकर जयंती को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेज देहात में तैनात की गई है। SSP हरिद्वार ने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि टीम वर्क से मेले और स्नान सकुशल संपन्न होंगे। जो हमारे लिए एक और चुनौती है, इवन दो हमने कई बार कर चुके हैं, हर घर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस की लिए नई बात नहीं है मेला। इस बार 4 दिन का कंटिन्यूस मेला है और हम मैक्सिमम भीड़ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सीजन का पहला मेला है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, आज ब्रीफिंग कम्प्लीट हो गई है। इस बार एक खूबी ये है कि पहली बार हमें पैरामिलिट्री फोर्स स्नैन के लिए मिला है, कंपनी RAF और एक कंपनी ITBP सम्मिलित है। पूरे मेला क्षेत्र को 17 जोन्स और 41 सेक्टर्स में बांटा गया है। पूरे उत्तराखंड से फोर्स आ चुकी है और इनकी ब्रीफिंग भी हो चुकी है। ये भी एक चैलेंज है इसके बीच में अम्बेडकर जयंती की भी है, लेकिन उम्मीद है कि सब कुछ संपन्न होगा क्योंकि सभी से मीटिंग हो चुकी है, सभी के सहयोग मांगा है और हमें पूरा उम्मीद है पब्लिक के सहयोग से हमें कोई परेशानी नहीं। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।